जात मर्याद जब मानिए जब तेरे लिए हो। ये कहो हमारी पूरी डिग्री है, ये कहो हमारे वीरों ने सच करके दिखाई है। आपके बेटे आपके बच्चे यहां से आए भरत शिकारा की दोनों हाथों लेकर मेरे उत्तर प्रदेश के बड़े भाइयों को कहता था वो को मानव शक्तियों को हाथों लेकर आऊंगा। ठीक है अपना जात वाला है नारा हो गया, सबसे पहले दोस्त देखने कितना है उसके साथ में उसके पीछे उन्हीं
है उनके सिर को चढ़ना शुरू कर दिया जाता है। अंग्रेज बड़े क्रूर थे, अत्याचारी थे, उनको पता था उनकी क्या थी, उनकी एकता अपनी सात से मान्य जब भी हो सात का कोई भरोसा नहीं, संसार से उनका उठे थोड़ा से जिसको बुरा कर सकता है। उन्होंने हमारे क्षत्रिय नेता के शीश को भाले में टांग कर एक हाथ में दूसरे भाले पर अपना ध्वज टांग कर पूरे एरिए में घुमाया, सबके अंदर यह दिखाया, सबको डराया, हमारी सरकारी को डराया, छात्र सरकारी को कि अगर कोरोना से किसी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने की कोशिश की यही हाल तुम्हारा होगा। छात्रों की एक कहानी है, क्या होता है तरक्की चाहे छुपाल हो गया उल्टे मैदान ही था बड़ा निर्णय सरपंच जी को जो पत्र थे उनके पत्ते ने अपने दादाजी के बलिदान में एक महीने पर दोबारा से अंग्रेजों पर आक्रमण किया और 32 साथियों के साथ हंसते हंसते फांसी के फंदे को सुनाई। ये चार हैं जो कौम बाई कौम पीढ़ी बाई पीढ़ी अपनी संतानों की बलिदान देना चाहते हैं। मैं हाथ छोड़कर अपनी सरकारी से बात कहना चाहता हूं, दिल्ली जो हमारी लाखों की है उसके अंदर कोई बच्चों का सम्मान नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे बच्चे पहले शिक्षित नहीं थे, आज जब शिक्षित हुए हैं प्रयास में एक दूसरे की टांग खींचने का काम करते हैं। एक दावत और है छात्रों को इकट्ठा करना, 100 में जब तो रहा है एक मीटर ले पकड़े जब बताओगे दूसरा दूसरा भाग जाएगा। कम से कम हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इतना बड़ा भयंकर विनाश आप लोगों ने देखा, आपके बच्चे आज तरह तरह की ठोकर खा रहे हैं, आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, आपके बच्चों की सरकार भी दुश्मन, आपके बच्चों का विपक्ष भी दुश्मन, आपके बच्चे इतने मजबूत है, अगर आप एक कुरान को सिखा दो ना छात्रों को किसी की जरूरत नहीं है। मैं मेरे साथियों से बस यही कहना चाहता हूँ, आपका बच्चा आपका बेटा हूँ, मेरे मुझसे कोई गलत बात नहीं करी हो हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगता हूँ, लेकिन जो भी माइक पे आके अपने विचार रखे हाथ जोड़कर समा चाहता हूँ कोई ना कोई अपने मुझे ऐसी बात जरूर कहे, हमारे अंदर जागरूकता आवे, हम एक हो ताकि दोबारा से ये जांच परिवार इकट्ठा बैठ के ऐसे ही बातें विचार विमर्श कर सके। और प्रोग्राम करने वाले जितने मेरे साथी शामली शामली बहुत नम भूमि है, जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र का युद्ध करने के लिए जो शांति की आखिरी रात है वो यहाँ बताई थी। माँ भारत देखोगे उसके अंदर भी शांति का जिक्र है, जिसको नाम दिया गया था शांति भवन। उसके बाद यहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अपनी रात गुजारी, इसका नाम कर दिया था श्याम वाली। और फिर ऐसे ऐसे मोहन सिंह जैसे महान योद्धा जिनके नाम से शांति जानी जाती है, आप सभी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। एक नारे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, आप लोगों का जोश देखना चाहूंगा, तैयार हो? धन्यवाद आप सबका।